स्टैंडर्ड एंड सिग्नल टू नॉइस एनालिसिस विथ एनोवा टू डेमोंस्ट्रेट हाउ द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट आर एनालाइज्ड इंक्लूडिंग द डिटेल्स स्टेप इन द एनोवा। यानी कोई भी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आया है उसको डेमोंस्ट्रेट करने के लिए, उसको एनालिसिस करने के लिए हम एनोवा का यूज करते हैं। ए नंबर ऑफ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल आर ट्रीटेड इन दिस सेक्शन। एनालिसिस ऑफ सिंगल एंड मल्टीपल सैंपल रिजल्ट बाई स्टैंडर्ड मेथड यूजिंग एवरेज आर डेमोंस्ट्रेटेड। फर्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ रिजल्ट ऑफ मल्टीपल सैंपल्स यूजिंग सिग्नल टू नॉइस रेशियो एंड अंडर द थ्री डिफरेंट क्वालिटी करेक्टरिस्टिक्स। The practitioner of DOE who wish to manually analyze the result and develop finer understanding on of statistical implication. So, topic objective is perform standard analysis with single and multiple run. Then carry out analysis using signal to noise ratio. Then calculate element of ANOVA for relative percentage influence. Then revise percentage influence by pooling insignificance factor. Then determine confidential interval for optimum performance. Analysis guidelines. Depending on the number of samples tested per trial condition, analysis guidelines. The method of analysis variable. If your result are from more than two samples per trial, according to analysis guidelines, यहाँ पर ये number of samples, जितने number of samples test करें उन पर depend करती हैं, depending on the number of samples tested per trial condition. The method of analysis varies. If your result are from more than two samples per trial, यानी एक ट्रायल में दो से ज्यादा रिजल्ट आ रहे हैं तो मेथड ऑफ एनालिसिस से वेरी करेगा। टू और मोर कॉलम ऑफ रिजल्ट, वेदर और नॉट आउटर अरे इज इंक्लूडेड इन द एक्सपेरिमेंट। एनालिसिस यूजिंग टू एस एन रेशियो इज रिकमेंडेड इफ द स्टैंडर्ड एनालिसिस इज परस्यूड फॉर रिपीटेड सैंपल रिजल्ट। रिपीटेड सैंपल रिजल्ट में अगर हम स्टैंडर्ड एनालिसिस लेते हैं तो वहां पर हम सिग्नल टू नॉइस रेशियो यूज करते हैं। एनालिसिस यूजिंग द सिग्नल टू नॉइस रेशियो इज रिकमेंडेड इफ द स्टैंडर्ड एनालिसिस इज परस्यूड फॉर रिपीटेड सैंपल रिजल्ट। बी अवेयर दैट द कंक्लूजन विथ रिगार्ड टू फैक्टर इन्फ्लुएंस एंड द ऑप्टिमम कंडीशन में वेरी। ट्रस्ट द सिग्नल टू नॉइस एनालिसिस रिजल्ट मोर। तो हम ज्यादा विश्वास सिग्नल टू नॉइस रेशियो एनालिसिस से जो रिजल्ट आ रहा है उस पर ज्यादा विश्वास करेंगे। एनालिसिस की स्ट्रेटेजी क्या है, एक सिंगल सैंपल पर ट्रायल और एक मल्टीपल सैंपल पर ट्रायल लेते हैं। यानी एक ट्रायल में हम सिंपल सिंगल सैंपल लेंगे और एक में मल्टीपल सैंपल्स पर ट्रायल लेंगे। मल्टीपल सैंपल्स पर ट्रायल के अंदर विद और विदाउट नॉइस फैक्टर एंड आउटर अरे, इसमें एक बार नॉइस फैक्टर को इंक्लूड करेंगे, आउटर अरे को भी इंक्लूड करेंगे। एक बार हम नॉइस फैक्टर को भी इंक्लूड नहीं करेंगे, आउटर फैक्टर को भी इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये दो तरीके से हम मल्टीपल सैंपल्स पर ट्रायल है करेंगे। जैसे ये परफॉर्म करते हैं तो परफॉर्म स्टैंडर्ड एनालिसिस, यहां पर परफॉर्म करेंगे सिग्नल टू नॉइस रेशियो एनालिसिस। इन दोनों का कंबाइंड स्मॉलर इज बेटर। अब इन दोनों में से जिसकी वैल्यू स्मॉलर आएगी वो बेटर होगा और बिगर इज बेटर, और जो इसकी वैल्यू बड़ी होगी वो बेटर होगा, या नॉर्मल इज द बेस्ट, या जिसकी वैल्यू नॉर्मल है वो बेस्ट होगा। ये हम चेक करेंगे कि कौन सा हमारे लिए सही है। तो ये हमारी सारी चीजें हैं वो एनालिसिस गाइडलाइंस के अंदर आती है। इसके बाद में स्टैंडर्ड एनालिसिस विद सिंगल टर्न। सिंगल टर्न से स्टैंडर्ड एनालिसिस कैसे किया जाएगा, जैसे हमारे पास में फैक्टर है ए, फैक्टर ए, फैक्टर सी, इंटरेक्शन
दे रखा है, फिर फैक्टर बी, फैक्टर डी, फिर इंटरेक्शन, इंटरेक्शन बी और सी के बीच में दे रखा है, ये इंटरेक्शन ए और सी के बीच में दे रखा है, देन फैक्टर डी, ये फैक्टर ई है। तो इनमें से जो भी वैल्यू स्मॉलर है वो बेस्ट रखते हैं, ये हमने करेक्टनेस मानी है, स्मॉलर इज बेटर। तो फैक्टर ए में ये लेवल वन है, ये लेवल टू है, तो लेवल वन के अंदर ए वन हो जाएगा ए टू, फैक्टर सी के अंदर सी वन सी टू हो जाएगा, इसी तरीके फैक्टर बी वन के अंदर बी वन बी टू हो जाएगा। इंटरेक्शन ए और सी के बीच में कुछ नहीं है तो ये नॉट अवेलेबल बता दिया, इंटरेक्शन बी और सी के बीच में कुछ भी नहीं है तो ये नॉट अवेलेबल बता दिया। फिर ये ऑर्थोगोनल अरे है, इसके अकॉर्डिंग हम ट्रायल देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं। जैसे ट्रायल हम करते हैं, एट ट्रायल करते हैं, फैक्टर हम ले लेते हैं ए सी, ए इंटू सी, बी डी, बी इंटू सी, क्या है दोनों का ले रहे हैं रिजल्ट, तब क्या आ रहा है, और ई इस तरीके से हम ले लेते हैं ट्रायल, फर्स्ट टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ले लेंगे। इसी तरीके से ए और सी के बीच में क्या रिलेशन है, इसी यहां पर दोनों को ऐड करना है, यहां पर मल्टीप्लाई करना है, यहां पर मल्टीप्लाई करना है, यहां पर दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये कॉलम्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और ये रिजल्ट हो जाएगा। अब ए इंटू सी है यानी दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ट्रायल के अंदर हमने ए की वैल्यू कुछ भी मान ली, जैसे कि चार बार वन मान लिया, चार बार टू मान लिया, फिर दो बार वन, दो बार टू, दो बार वन, दो बार टू, फिर ए और सी को निकाल लिया हमने, सी करी, फिर दो के बाद में यहाँ पर एक बार वन टू, वन टू वन टू वन टू, तो ये बी हो जाएगा। तो डी के अंदर क्या हो जाएगा, डी के अंदर भी ये वैल्यू सेम हो जाएगी, वन टू वन टू, फिर ये वाले नीचे वाला सेक्शन चेंज हो जाएगा टू वन टू वन। फिर बी और सी के बीच में रिलेशन निकालेंगे तो बी इंटू सी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आता है वन, फिर टू, फिर वन, फिर टू, इस तरीके से जाएगा टू टू फोर। तो ये सेक्शन देखिए, ये सेक्शन ए और सी के बीच में टू ही है, ये भी टू ही है, और ये बी और सी के बीच में रिलेशन है तो ये वन आ गया। तो बी और सी के बीच में कोई भी रिलेशन रख दिया हमने, मैक्सिमम टाइम मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो यहां पर वन मान लेते हैं, जैसे टू दो बार वन, दो बार टू, तो यहां पर वन वन टू 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 वन वन, इस तरीके से आ जाएगा। फिर इसके बाद में रिजल्ट है बाई, तो बाई रिजल्ट कैसे आया है, ए वन की वैल्यू कैसे आई है, यहां पर ए वन की वैल्यू है हम निकाल लेते हैं बाई वन प्लस बाई टू प्लस बाई थ्री प्लस बाई फोर, तो ये बयालीस, पचास, छत्तीस और पैंतालीस आ जाएगा, तो 173 आ रहा है। ए वन बार का मतलब क्या है, 173 का एवरेज निकाल लेंगे तो ये 43.24 आ जाएगा। अब यहां पर ये देखते हैं कि ये बाई की वैल्यू 42 कैसे आई है। बाई की वैल्यू में हम अभी मान लेते हैं कि ये रिजल्ट आया है हमारा कोई भी, तो इसमें ए वन की वैल्यू निकालेंगे, तो फर्स्ट चार के लिए ए वन की वैल्यू निकालेंगे, तो ये ए वन की वैल्यू इन चार से निकाल लेंगे हम, फिर ए टू की वैल्यू है इन चार से निकालेंगे, ये हमारा बाई वन हो जाएगा, बाई टू ये सेक्शन, बाई थ्री ये सेक्शन, बाई फोर ये सेक्शन, तो ये चारों को जोड़ के चार का डिवाइड कर दिया, ए वन बार आ गया हमारे पास में। इसी तरीके से हमने ए टू बार निकाल लिया, नीचे वाले चारों सेक्शन को जोड़ के, इन सेक्शन को जोड़ के हम ए टू निकाल लेते हैं। इसके बाद में सी वन है, सी वन हम बाई वन और बाई टू, बाई फाइव और बाई सिक्स है, थ्री और फोर को छोड़कर निकालेंगे सी वन, बाई वन बाई टू बाई थ्री और फोर छोड़ दिया, फाइव और सिक्स निकालेंगे। इसी तरीके से सी टू है,
सी टू के बाद में ये सी वन निकालने के बाद में सी टू निकालेंगे, तो सी टू निकालेंगे बाई थ्री बाई फोर बाई सेवन बाई एट से, तो ये सी टू आर निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम बी वन निकाल लेंगे, बी वन बार बी टू बी टू आर, डी वन बार डी टू आर, ई वन बार, इस तरीके सारी वैल्यू है हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जैसे C की वैल्यू है, A की वैल्यू है, ये मतलब कि ऊपर से यहां से चारों ले लिए, C मतलब कि ये सेक्शन ले लिया यहां से ये सेक्शन और ये सेक्शन, फिर ये सेक्शन और ये सेक्शन, जैसे यहां पर हम बी वन निकालें तो बी वन कैसे निकलेगा, बी वन के लिए हम जैसे यहां पर वन है, यहां पर जैसे ये बी वन है, बी वन के लिए यहां पर वन यहां पर वन यहां पर वन यहां पर वन, चार सेक्शन जोड़ लेते हैं, यानी 42 36 और ये वैल्यू हम जोड़ लेते हैं। तो एक बी वन निकाल के देख लेते हैं और एक और पॉइंट निकाल के देख लेते हैं। तो बी वन के लिए हम 42 36 जीवन के लिए 42 36 और 55 और 30, 42 36 30 और 35 जोड़ लेते हैं, 30 और 35, तो ये हमारा आ रहा है 143। तो इसका मतलब बी वन आ क्या है 143, तो ये आ जाएगा बी वन 143। तो बी वन बार है चार का भाग देके निकाल लेंगे, इसी तरीके से निकाल लेते हैं, डी वन डी टू निकाल लेते हैं, ई वन ई टू निकाल लेते हैं, ए सी निकाल लेंगे, बी सी निकाल लेंगे, ए सी बार निकाल लेंगे, बी सी बार निकाल लेंगे, सारी चीजें हम निकाल लेते हैं, ए सी वन ए सी टू भी निकाल लेते हैं। ए सी वन में क्या है बाई वन बाई टू, तो इसमें एक एक के अंदर आ देख लेते हैं, ए सी वन में जो बना रहा है, और ए टू का मतलब है जिसमें टू आ रहा है, ए टू के अंदर टू आ रहा है, जैसे टू टू चार सेक्शन में आ रहा है, तो ए टू निकाला, तो ये चार को हम जोड़ देंगे, टू के निकालना है, जैसे ए टू निकालना हो तो ये चार में, इस चार में जो वैल्यू आ रही है ये चार वाली, ये हम जोड़ देते हैं, तो ये ए टू आ जाता है। इसी तरीके से सारी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सेक्टर एंड इंटरसेक्शन कॉलम इफेक्ट, सेक्टर एंड इंटरसेक्शन कॉलम इफेक्ट कैसे निकलेगा, सेक्टर एंड इंटरसेक्शन कॉलम इफेक्ट में अलग से ये जैसे कि कॉलम और फैक्टर दे रखे हैं, कॉलम वर्सेस फैक्टर, ये कॉलम है लेवल वन टू थ्री, लेवल वन लेवल टू, और एल टू माइनस एल वन कर दिया तो ये वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 43.50 माइनस 43.25 कर दिया तो 0.25 आ जाएगा, ये एक का दे रखा है, एक में हमने 43.25 का डाला है, ये यहां से डाला है 43.25 एक में ए वन फैक्टर आ जाएगा, 43.50 एल टू में डाला, ये एल वन सेक्शन हो जाएगा, ये एल टू सेक्शन हो जाएगा एक के लिए, इसी तरीके से ये एल वन सेक्शन हो जाएगा, ये एल टू सेक्शन हो जाएगा, इसी तरीके से सारे सेक्शन है यहाँ पर डिवाइड कर देंगे हम, ये ए एक के लिए हो जाएगा, सी मिल के लिए हो जाएगा कॉलम, तो सी का क्या है 45.5 और 41.25, तो लेवल वन में 45.50 है सी के अंदर और लेवल टू के अंदर 41.25 है, इस तरीके से ये सी के लिए आ जाएगा। फिर थर्ड है इंटरसेक्ट वन एंड टू, तो वन एंड टू का इंटरसेक्शन हम निकाल लेते हैं, वन एंड टू का इंटरसेक्शन का मतलब क्या है ए और सी का इंटरसेक्शन, ए और सी का इंटरसेक्शन हमारे पास में क्या आ रहा है, ए और सी का इंटरसेक्शन है लेवल वन के अंदर 44 आ रहा है, लेवल टू के अंदर 42.75 आ रहा है, तो 42.75 इस तरीके से वैल्यू है पुट कर देते हैं। बटर के अंदर देख लेते हैं, बटर क्या है बी के अंदर है, बी में लेवल वन 33.75 है और 51 है लेवल टू,
तो बटर के अंदर हम देख लेते हैं, बी के अंदर, बटर के अंदर 35.75 और 51, तो ये 35.75 और 51 आ जाएगा। इसी तरीके से एल टू माइनस एल वन लेवल निकाल के हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो स्मॉलर होगा वो बेटर होगा। एवरेज वैल्यू के अंदर हम देखते हैं डेटा टाइप में, एवरेज वैल्यू के अंदर जो स्मॉलर वैल्यू है वो बेटर है। तो इसमें एवरेज फैक्टर इफेक्ट कैन नाउ बी प्लॉटेड एंड प्रीलिमिनरी डिटरमाइन द ऑप्टिमम कंडीशन कैन बी मेड। तो ऑप्टिमम कंडीशन मेड, तो कौन सी वैल्यू है हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे कम वैल्यू किसकी आ रही है, सबसे कम वैल्यू है यहाँ पर माइनस में 6.75 यहाँ पर आ रही है फ्लोर के अंदर डीएम में। तो प्लॉट दी फैक्टर एवरेज इफेक्ट, फैक्टर का जो एवरेज इफेक्ट है वो हम प्लॉट करते हैं। जैसे ए वन का इफेक्ट क्या आ रहा है, तो ए वन का एवरेज इफेक्ट है, जैसे फैक्टर ए वन है वो आ रहा है ये 42, 44, 46, 48, तो ये 43 से आ रहा है। तो ए वन का इफेक्ट है वो 43.25 से 43.50 तक जा रहा है, तो ये आ गया। फैक्टर टू सी का फैक्टर है, जैसे सी है ये सेक्शन, सी में क्या है 44 से 42.75 तक जा रहा है, ये इंटरसेक्शन है। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, और यहाँ पर कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 5 मतलब कि ए बी सी डी ई। तो बी का जब सेक्शन है, बी का अंदर 33.75 और 51, तो ये 33.75 से 51 तक जा रहा है ये। इसी तरीके से सी है, सी की वैल्यू है 45.5 से 41.25, सी की वैल्यू 45.5 से 41.25, तो ये 41.25 था। इस तरीके से ये इनका सेक्शन है, हम डिवाइड कर लेते हैं। फिर जो स्मॉलर होगा वो बेटर होगा, इस क्रेस्टिस से हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं क्वेश्चन को। तो फोर स्मॉलर इज बेटर क्रेस्टिस विदाउट कंसीडरिंग इंटरसेक्शन इंटरेक्शन दी ऑप्टिमल कंडीशन बिकम। तो विदाउट इंटरेक्शन हमने लिया है, तो ऑप्टिमल कंडीशन क्या बनेगी, ए वन सी टू बी वन डी टू ई वन। तो स्मॉलर वैल्यू ले लीजिए ए वन, इन दोनों में स्मॉल क्या है ए वन, फिर इन दोनों में स्मॉल क्या है सी टू, तो सी टू ले ली, फिर इन दोनों में स्मॉल क्या है, इन दोनों में स्मॉल है बी वन, तो बी वन ले ली, फिर इन दोनों के स्मॉल क्या है, दोनों के अंदर डी टू, तो ये डी टू ले लिया, फिर इन दोनों में स्मॉल क्या है 43, तो ये 43 ले लिया इवन। इस तरीके से ये हमारे पास में बेटर ऑप्टिमल कंडीशन आ जाती है। फिर टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ इंटरसेक्शन, अब इंटरसेक्शन के प्रेजेंस में हम टेस्ट करते हैं। इंटरसेक्शन इफेक्ट ऑल आर मिक्सड विथ फैक्टर विच आर असाइंड टू द कॉलम, इफ नो फैक्टर आर असाइंड टू द डिजाइनेटेड डेजिनेटेड कॉलम द एवरेज इफेक्ट फाउंड इन कॉलम कॉलम 3 4 दी ए इंटू सी एंड कॉलम 6 4 दी बी इंटू सी। तो 3 ए इंटू सी के लिए है और 6 है 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 का मतलब क्या है सी इंटू बी से, बी इंटू सी से। कैप्चर द इफेक्ट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिलेटिव सिग्निफिकेंस ऑफ विच इज डिटरमाइंड बाई एनोवा एज वेल एज डिस्क्यूट लेटर फॉर नाउ वेदर ए इंटरसेक्ट विथ फैक्टर सी और फैक्टर बी विथ फैक्टर सी विल बी फाउंड बाई टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ इंटरसेक्शन। तो इनको भी हम कंबाइन कर लेते हैं, ए और सी को भी। तो ए और सी दोनों को हम कंबाइन करेंगे, इसका मतलब क्या है, ए वन और सी वन, ए वन और सी वन की वैल्यू है, ए वन की सी वन की वैल्यू क्या है 42 और 50। जैसे यहाँ पर देखते हैं ए वन और सी वन की वैल्यू, इसमें ए वन की वैल्यू है 42 और सी वन की वैल्यू है 50। ए वन की वैल्यू है 42 और सी वन की वैल्यू है 50। जैसे ये सेक्शन लेवल के अंदर कैसे आएगी वैल्यू, एवन की वैल्यू
एन की वैल्यू 42, सी एन की वैल्यू 50। इसका मतलब क्या है कि जहां पर ए भी वन है और सी भी वन है, दोनों वन होंगे उन नंबरों को जोड़ेंगे। से यहाँ पर ए और सी वन वन है तो 42 से 50 जोड़ दिया। ए टू और सी टू निकालना हो तो हम किसको जोड़ेंगे, 30 और 54 को जोड़ेंगे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 30 और 54 को, ए टू और सी टू के लिए इस तरीके से वैल्यू निकालेंगे। तो ये ए टू सी टू के लिए 30 और 54 जोड़ दिया। ऐसे ही सारे नंबर को हम जोड़ लेते हैं। ए इंटू सी का इंटरसेक्शन निकालना हो या बी इंटू सी का इंटरसेक्शन है निकालना हो तो इन दोनों को हम निकाल लेते हैं। जैसे बी वन और सी वन है, इसका मतलब क्या है, बी और सी के अंदर वन वन आने चाहिए, उनको हम जोड़ देते हैं। तो बी और सी के अंदर 42 और 35 के अंदर आ रहा है, बी और सी के अंदर। जैसे यहाँ पर ट्रायल है, बी ले लेते हैं और सी ले लेते हैं, तो बी में बना रहा है यहाँ पर, सी में बना रहा है यहाँ, तो 42 ले लिया। और बी में यहाँ पर बना रहा है और सी में यहाँ पर 2 आ रहा है, ये नहीं लेंगे हम। यहाँ पर बना रहा है, यहाँ पर बना रहा है, तो ये 35 ले लिया, 42 और 35। तो इस तरीके से बी वन और सी बना जाएगा। इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये चारों सेक्शन हमारे पास में आएंगे, ए इंटू सी और बी इंटू सी, ए वन सी वन, ए वन सी टू, ए टू सी वन, ए टू सी वन, ए टू सी टू। इस तरीके से बी वन सी वन, बी वन सी टू, बी टू सी वन और बी टू सी टू, ये सारे सेक्शन हम निकाल लेते हैं, इनके एवरेज भी हम निकाल लेते हैं। फिर प्लॉट कर्व करते हैं। कर्व करेंगे तो सी वन और सी टू की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है, सी वन सी टू की वैल्यू है बी वन के रेस्पेक्ट में, बी वन के रेस्पेक्ट में 38.50 से 33.0 तक जा रही है, 38.50 से 33.0 और 52.52 से 49.50 तक जा रही है। तो सी वन सी टू के रेस्पेक्ट में जाएगी। ए वन ई टू की वैल्यू सी वन सी टू के रेस्पेक्ट में कहाँ से कहाँ जा रही है, ए वन ई टू की वैल्यू है जैसे कि 46 से ए वन सी वन, ए वन और सी वन 46 और ई टू सी वन, ई टू सी वन है 45। इसी तरीके से ये इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब क्या है, फॉर प्लॉटिंग पर्पज आइदर फैक्टर कैन बी चूजन एज द एक्स एक्सिस, द शेप ऑफ प्लॉट हाउएवर मे लुक डिफरेंट बट द कंक्लूजन ड्राइव्ड विल नॉट। इसमें क्या है, द प्लॉटिंग पर्पज जब हम प्लॉट करते हैं, आइदर फैक्टर कैन बी चूजन एज एक्स एक्सिस, तो हम फैक्टर को या तो एक्स एक्सिस चूज करते हैं। द शेप ऑफ द प्लॉट हाउएवर मे बी लुक डिफरेंट बट द कंक्लूजन ड्राइव विल नॉट। जैसे हमने ये इंटरसेक्शन किया है तो हमें पता चला है बेस्ड ऑन द प्लॉट बी एंड सी इंटरसेक्ट स्लाइटली, तो स्लाइटली इंटरसेक्ट कर रहे हैं लेकिन ये क्लोजली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ए एंड सी इंटरसेक्ट मोर, तो बी और सी को इग्नोर कर देंगे और ए और सी को कंसीडर करेंगे। फॉर द स्मॉलर इज बेटर, तो ए वन और सी टू ये इनमें से बेटर है, ए वन और सी टू 40.5 प्रोड्यूस द लोएस्ट एवरेज वैल्यू। तो ए वन सी टू, यहाँ पर ए वन सी टू 40.5 है, इसने सबसे लोअर वैल्यू है प्रोड्यूस की है। देयर फोर ए वन सी टू मस्ट बी इंक्लूडेड इन द ऑप्टिमम कंडीशन, इन दिस केस ए वन सी टू इज ऑलरेडी इंक्लूडेड। तो ए वन सी टू पहले से ही यहाँ पर इंक्लूडेड है, पहले से जो ऑप्टिमल कंडीशन है हमारे पास में। इवन दोज इंटरसेक्शन इज प्रेजेंट, हाउ सिग्निफिकेंट इट इज कंपेयर टू द फैक्टर। जनरली ऑप्टिमम कंडीशन इज मॉडिफाइड ओनली इफ द इंटरसेक्शन इज डिटरमाइंड टू बी सिग्निफिकेंट। इंटरसेक्शन फॉर विच ए कॉलम हैज बीन रिजर्वड कैन बी टेस्टेड फॉर सिग्निफिकेंस फ्रॉम एनोवा। तो हम एनोवा से भी अगर इंटरसेक्शन है, रिजर्व है पहले से, कॉलम हैज बीन पहले से अगर रिजर्व है, तो हम उसको टेस्ट कर सकते हैं विद द सिग्निफिकेंस फ्रॉम एनोवा। एनोवा क्या है, एनालिसिस ऑफ वेरियंस। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनोवा इज टू डिटरमाइन रिलेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ फैक्टर एंड इंटरसेक्शन टू द वेरिएशन ऑफ रिजल्ट। यानी रिजल्ट में जो वेरिएशन हो रहा है उनके बीच में इंटरसेक्शन पता करना और फैक्टर किस तरीके से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं,
रिलेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ द फैक्टर उनका पता करना एनोवा का काम है. द वेरिएशन ऑफ रिजल्ट इज डिटरमाइंड बाय कैलकुलेटिंग द डेविएशन ऑफ रिजल्ट फ्रॉम द टारगेट. से मीन स्क्वायर डिवीजन है एमएसडी, वाई आई माइनस वाई इनपुट, वाई इनपुट माइनस वाई आउटपुट का स्क्वायर डिवाइड बाई एन हो जाएगा मीन स्क्वायर डिवीजन. टोटल डिवीजन हो जाएगा, टोटल डिवीजन हो जाएगा टीएसडी समेशन ऑफ वाई आई माइनस वाई आउटपुट का स्क्वायर. इसलिए टीएसडी और एन इंटू एमएसडी है, टीएसडी और एन इंटू एमएसडी में ये एनोवा आ जाएगा. टी आई टी आउटपुट टी बाई ये बाई आई है, ये बाई आउटपुट बाई एवरेज बाई आउटपुट के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो बाई आई माइनस बाई आउटपुट का होल स्क्वायर आ जाएगा. समीशन ऑफ बाई आई माइनस बाई एवरेज प्लस बाई एवरेज माइनस बाई आउटपुट का होल स्क्वायर. तो इससे हम वैल्यू है कैलकुलेट कर सकते हैं बाई आई माइनस बाई एवरेज का होल स्क्वायर समीशन के अंदर प्लस टू टाइम्स यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया ये टू बाई आई माइनस बाई एवरेज और बाई एवरेज माइनस वाई आउटपुट. ये सेक्शन हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर हो जाएगा बाई एवरेज माइनस वाई आउटपुट का स्क्वायर. यानी इसको खोल देते हैं हम ए माइनस बी के होल स्क्वायर को तो ये वैल्यू आ जाती है यानी दो बार इस सेक्शन मल्टीप्लाई हो जाएगा. दो बार मल्टीप्लिकेशन सेक्शन को भी हम खोल देते हैं फिर इसके बाद में ये वैल्यू है ये आ जाती है हमारे पास में एन टाइम्स बाई आई माइनस वाई एवरेज का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन प्लस जीरो प्लस बाई एवरेज माइनस बाई आउटपुट का होल स्क्वायर. तो इसमें जो वैल्यू है टोटल वेरिएशन अबाउट द टारगेट वैल्यू बाई आई माइनस बाई आउटपुट का होल स्क्वायर इक्वल टू एन टाइम्स ये हो जाएगा रो स्क्वायर जिसे कहते हैं वेरिएशन ड्यू टू द इंडिविजुअल डेटा अबाउट द मीन ऑफ डेटा देन प्लस एन इंटू एम स्क्वायर. ये एन इंटू रो स्क्वायर है एन इंटू एम स्क्वायर. एन इंटू एम स्क्वायर होगा वेरिएशन ऑफ मीन फ्रॉम द टारगेट. तो एम की वैल्यू हो जाएगी बाई एवरेज माइनस बाई आउटपुट है ये एम की वैल्यू हो जाती है. बाई डेफिनेशन वेरियंस की जो वैल्यू है लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू समेशन ऑफ बाई आई माइनस बाई एवरेज का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन प्लस या फिर समीशन ऑफ बाई वन माइनस बाई एवरेज का होल स्क्वायर. एन से एन भी कैंसिल हो जाएगा तो बाई आई माइनस बाई एवरेज का होल स्क्वायर या एन रो स्क्वायर भी आ जाएगा डायरेक्ट. द वेरिएशन अराउंड द मीन ऑफ डेटा इज कॉल्ड टोटल सम ऑफ स्क्वायर. तो टोटल सम ऑफ स्क्वायर है बाई आई माइनस बाई आउटपुट एवरेज का होल स्क्वायर से हम डिनोट कर सकते हैं एन रो स्क्वायर बाई आई माइनस बाई आउटपुट का होल स्क्वायर एन एम स्क्वायर. सो दैट द लार्जेस्ट इज द ओरिजिन दैट बाई एम इक्वल टू बाई एवरेज एंड बाई आई एस टी की वैल्यू है बाई स्क्वायर माइनस के एन एक्स बाई एवरेज. तो बाई आई स्क्वायर प्लस एन एक्स एन मल्टीप्लाई बाई टी डिवाइड बाई एन का स्क्वायर. इससे हम ये फाइनल सॉल्यूशन है टारगेट तक हम पहुंच जाते हैं. तो ये हमारा टारगेट हो जाता है समीशन ऑफ बाई माइनस आई स्क्वायर बाई आई स्क्वायर माइनस के एन इंटू टी डिवाइड बाई एन का स्क्वायर.